और मेरे को बोल रहे हो कि 1,00,000 रुपए दोगे अगर मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बढ़िया मिली, तो ये गलत फहमी मैं आपकी दूर कर दूंगा। द्वारका सेक्टर 12A में आर के फिटनेस बाय रोहित खत्री जिम है, कल ही आ जाना, ब्लड टेस्ट करा लेना। आप उसको ये बताएंगे कि यहाँ पे तो वीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा वो प्रिपेयर करके आएगा, देन आपको बोल सकते हो कि देख अभी तो अच्छा है, इसलिए तुझे मिला। कशिश गुप्ता ने रोहित खत्री को ओपन चैलेंज किया कि मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा यदि आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मेरे से ज्यादा अच्छी आती है। तो वहां पर रोहित खत्री ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, एंड रोहित खत्री ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कशिश गुप्ता को क्या जवाब दिया, इसका कंप्लीट वीडियो लेके हम आ चुके हैं। इसके अलावा संग्राम चौगले ने अपने इंस्टाग्राम पेज में एक वीडियो शेयर की है जो वहां पर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी कॉम्पिटिशन के दौरान, तो उस वीडियो का हम यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि वहां पर संग्राम चौगले ने उस कंट्रोवर्सी के विषय में क्या बोला। अब इस वीडियो के विषय हमको ये नहीं पता कि ये इनका लेटेस्ट कंट्रोवर्सी वाला वीडियो है या फिर कोई ये ओल्ड वीडियो है। तो सबसे पहले हम संग्राम चौगले ने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हुए कंट्रोवर्सी के विषय में क्या बोला है, फिर उसके बाद कशिश गुप्ता ने रोहित खत्री को क्या चैलेंज किया है, रोहित खत्री ने किस प्रकार से रिप्लाई किया, एंड क्या रोहित खत्री ने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था उससे रिलेटेड जो कशिश गुप्ता को जवाब दिया था, तो क्या रोहित खत्री ने अपने इंस्टाग्राम पेज से उस वीडियो को डिलीट कर दिए हैं, इन सब चीज के विषय में डिटेल पूर्वक देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। 6 किलो फालतू निकला ना, आप उसको ये बताएंगे कि यहाँ पे तो वीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा वो प्रिपेयर करके आएगा, देन आपको बोल सकते हो कि देख अभी तो अच्छा है इसलिए तुझे मिला। यार गलतियां निकालते बैठते हो, अच्छी बातें उनको बताते नहीं हो, ये तो दिमाग चलता नहीं है बॉडी बिल्डर का, जब वो स्टेज पे रहते हैं उनको तो एक घर वालों के साथ झगड़ा होता रहता है उनका। मैं जब बॉडी बिल्डिंग करता था मैं फैमिली के साथ रहता नहीं था, उनके साथ भी वही होता है। जब आप कार्ब नहीं खाओगे, आप पानी नहीं पियोगे, तो आप कैसे तो खुद को मेंटेन करते रहते हो कि यार नहीं मुझे कॉम्पीट करना है, मुझे बैलेंस करना है, मुझे कंडीशनिंग में आना है, और तब गलती से उसका कुछ हो जाता है और गुस्सा तो आता है, वो कंट्रोल करता रहता है, और सामने से आप नीचे से उसको बोलते हो चीटिंग हो गया, वो बंदा वो क्या करेगा, तो उसका रिप्यूटेशन आप खराब कर रहे हो। एक कॉम्पिटिशन से कुछ नहीं होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं ना, तो आपको करता रहना चाहिए। जैसे मिस्टर इंडिया, तो मिस्टर इंडिया ही नहीं, मिस्टर एशिया है ना ये कॉम्पिटिशन। अभी क्या है कि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग आए नहीं, कितने लोग आए थे, 300 ना, तो 300 में अभी हर एक को मालूम नहीं है कि क्या कॉम्पिटिशन था। कुछ कुछ लोगों ने प्रिपरेशन करके आए ना, बेचारे कॉम्पिटिशन का वेट देख रहे, तो आपने उनको चेयरअप करना चाहिए कि 3 साल के बाद कॉम्पिटिशन मिला है और आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, आपको टाइटल मिला नहीं है, इसके लिए अगर झगड़ा करेंगे आप तो फिर कॉम्पिटिशन देंगे नहीं कोई। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मैं कभी जजिंग करता नहीं हूँ, मेरे पास भी मुझे मालूम नहीं था क्या होगा, जस्ट पूछा अभी कि संग्राम इसमें से कौन अच्छा लग रहा है, मैंने बोला था ये बंदा अच्छा लग रहा है, तो फेडरेशन के लोग भी और आप भी उनमें आप पूछो, अभी इनसे मेरे से ज्यादा देखता मतलब कोई नहीं जानता, ऐसी कुछ बात नहीं है, मुझे लगा था वो अच्छा है और 90% लोगों को लगा रहेगा कि जिसको मैंने बोला था अच्छा है, तो मैंने जजिंग नहीं दिया था, मैंने मेरा ओपिनियन दिया था, तो सॉरी अगर कोई हर्ट होता रहेगा मेरे कारण, नहीं तो मैं दिल्ली में आता रहे तो मुझे गाली देंगे रस्ते में आप कि इसने हमारे बंदे को ऐसे किया वैसे किया। मेरे सारे छोटे भाई ही मेरे, मुझे लगता है सारे के सारे मेरे से 10 साल छोटे रहेंगे, 10-15 साल है ना, तो इनको यार वो समझो आप कि कंपटीशन कंपटीशन रहता है, कंपटीशन खराब रहता है ना, और आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि यहाँ पे 10 जज बैठे, 10 लोग मिलकर कैसे प्रॉब्लम करेंगे किसी को, एंजॉय करो यार, अभी तो स्टार्टिंग हो गए, आप ऐसा करोगे तो नेक्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन होगा नहीं, फिर आप किसको क्या बोलोगे, पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम नहीं दे रहे हो, स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, कैसे तो करके कॉम्पिटिशन अरेंज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर्स, और आप उसमें ऐसा प्रॉब्लम करेंगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है, तो प्लीज उनके लिए यार करना चाहिए अपनी कुछ ऐसे कि 19-20 हर जगह पे होता रहता है, अगर वो होगा नहीं जीतेगा तो एक ही बंदा है कि नहीं, तो जो जीतेगा ना एक्चुअली जो जीतता है ना उसको कभी उसकी हेटर बढ़ जाता है। आई एम वेरी लकी कि मैं हार के जीता हूं, मैं 6 बार हारा हूं तो सबसे ज्यादा पब्लिक ने मुझे अप्रिशिएट किया यार, एक अच्छा था लेकिन दिया नहीं, अच्छा था लेकिन दिया नहीं, तो ऐसा भी हो सकता ना कि हार के जीत के यार बाजीगर बन सकते हैं कोई, जैसे मैं बना हूं, मैंने ज्यादा कॉम्पिटिशन जीते नहीं है।
अब हम कशिश गुप्ता और रोहित खत्री की कंट्रोवर्सी के विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कशिश गुप्ता के विषय में बताना चाहते हैं। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग और कोचिंग देते हैं, मतलब कि बॉडी ट्रांसफॉर्म करवाते हैं जो स्टूडेंट बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इसके अलावा ये मतलब जो कई सारे जो इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब में, जैसे कि अपने फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा हो गए, मुकेश सिंह गहलोत हो गए, रोहित खत्री हो गए, या कोई और भी जो मतलब इंस्टाग्राम या यूट्यूब में बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड नॉलेज देता, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर कशिश गुप्ता उनके वीडियो उठाते हैं और जो उन वीडियो में कमी होती है इनके अनुसार, कशिश गुप्ता के अनुसार, तो उन चीज़ों को वो अपने इंस्टाग्राम पेज में आते हैं, उससे रिलेटेड वहाँ पर वीडियो बताते हैं, उन कमियों को दूर करने के कुछ उपाय यहाँ पर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इनके इंस्टाग्राम पेज में भी देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इस प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे, मुकेश सिंह गहलोत से रिलेटेड, गौरव तनेजा, रोहित खत्री से संबंधित। तो इसी तरह के वीडियो बनाते हुए कशिश गुप्ता ने रोहित खत्री को ओपन चैलेंज किया है कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवाइए और मैं अपने ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, यदि आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मेरे से ज़्यादा बेटर निकलती है तो मैं आपको 1,00,000 रुपये कैश दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब कशिश गुप्ता ने सबसे पहले क्या कहा उसको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद रोहित खत्री ने कशिश गुप्ता को क्या रिप्लाई किया उसको सुनेंगे, एंड हम आपको आगे और भी बताना चाहते हैं कि रोहित खत्री ने जो कशिश गुप्ता को रिप्लाई किया है अपने इंस्टाग्राम पेज से, तो उसको उन्होंने उस वीडियो को अब डिलीट कर दिया। अब वो आपको जो रोहित खत्री का रिप्लाई वाला वीडियो था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कल रात को मतलब 12 से 1 बजे के आसपास डाला था, लेकिन आज मॉर्निंग में चेक करने में रोहित खत्री के पेज में वो वीडियो नहीं, तो मतलब रोहित खत्री ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो चलिए आप लोग एक लाइन से पहले कशिश गुप्ता, फिर उसके बाद रोहित खत्री ने क्या रिप्लाई किया उसको देख लीजिए। और आप लोगों को आगे भी इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग की सबसे पहले अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। जितने भी ये कोच बने फिरते हैं ना, ये एक्सरसाइज गलत है, इस एंगल से करो, ये आर्टिकल पढ़ो, इस आर्टिकल में इस एक्सरसाइज को गलत दिखाया है, यहां से आपकी इंजरी हो जाएगी। भाई इतना ही पता है तो खुद की बॉडी भी बना लो। और ये देखो भाई सब, ऐसा कभी बना नहीं सकते। लगता है स्टेरॉइड्स का असर रोहित खत्री के दिमाग पे भी हो गया। चलो एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा बॉडी बॉडी करते रहते हैं ना, हम ना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, फिर देखते हैं कि अंदर से कौन मरा हुआ है और अंदर से किसकी बॉडी अच्छी है। और अगर आपके ब्लड टेस्ट मेरे से अच्छा है तो मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, बोलो आओगे? और आपने कितनी चैंपियनशिप जीत ली, मेरे एथलीट्स तो वर्ल्ड के टॉप लेवल पे हैं और मैंने बहुत सारे लोगों की बॉडी बनवा भी दी बिना स्टीरॉयड के। ना आपको साइंस आती है, ना आपको रिसर्च पढ़नी आती है, बस वर्कआउट के बीच में केला ले लो। जितने भी ये कोच बने फिर रोहित खत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्लड टेस्ट के लिए आए और मैं उनको बताऊंगा कि कौन से ब्लड टेस्ट करवाने हैं और हम दोनों ब्लड टेस्ट करवाएंगे और उनके ब्लड टेस्ट के लिए भी मैं पे करूंगा, बस उनको आना है। और अगर उनके हेल्थ मार्कर्स में से अच्छे हुए तो मैं उनको 1,00,000 रुपए दूंगा। तो रोहित खत्री को मैं टैग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप कब आएंगे, और अगर आपके शहर आके ब्लड टेस्ट करवाना है तो मैं आपके शहर भी आ जाऊँगा। और वैसे रेगुलर चेकअप करवा लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आपके सारे खर्चे मैं उठाऊंगा और इसी बहाने आपके सारे चेकअप भी हो जाएंगे, आपके सारे ब्लड रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और लोगों को पता भी चल जाएगा कि आपकी बॉडी कितनी अच्छी है। जो आप दिखाते रहते हो ना, ये देखो मेरा बाइसेप, ये देखो मेरी चेस्ट, सबको पता चल जाएगा कि हाँ ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ही है या फिर अंदर से भी कुछ है आपके पास। हाँ भी एंगल पेंगल वाले कोच क्या बोल रहे हैं कि स्टीरोइड लेकर तो कोई भी बॉडी बना देगा। सबसे पहली चीज ये बोलकर है ना, पूरी बॉडी बिल्डिंग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो स्टीरोइड, क्योंकि इस स्पोर्ट्स का ना लोग प्रोफेशनली करते हैं और आप इसका मजाक उड़ा रहे हो, उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो जो लोग इस स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली करते हैं, कितने लाखों करोड़ों लोग करते हैं। दूसरी चीज क्या बोल रहे हो कि अंदर से बॉडी खराब मिलती है, ये भी बताना चाह रहे हैं ना जो स्टीरोइड लेते हैं, और मेरे को बोल रहे हो कि 1,00,000 रुपए दोगे अगर मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बढ़िया मिली, तो ये गलत फहमी मैं आपकी दूर कर दूंगा। द्वारका सेक्टर 12A में आर के फिटनेस बाय रोहित खत्री जिम है, कल ही आ जाना, ब्लड टेस्ट करा लेना। कभी ये गलत फहमी हो ना आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मुझसे बढ़िया निकलेगी, तो ये गलत फहमी भी कल दूर कर दूंगा। और वे 4-5 लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन दिखा के अपने आपको प्रोफेशनल साबित करना चाह रहा है, तो मेरी इंस्टाग्राम हाईलाइट जाके देख लियो मैंने कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, और हजारों लोगों की तो मैं डालता भी नहीं ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी नेचुरली, आज तक किसी को स्टीरोइड रिकमेंड भी नहीं किए। और मेरी बॉडी जाके देख लेना, जब मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट किया था उससे पहले मेरी बॉडी कैसी थी, वैसी कभी जिंदगी में ना तेरा कोई एथलीट और ना तू बना पाएगा। 3 महीने का कोर्स करके और कहीं से 4 वर्ड सीख के, ये तेरे जैसे दुनिया भर के कोच जो दिखा रहे ना बहुत प्रोफेशनल है, तो भाई कभी भी आ जाना वर्कआउट करने, तुम्हारे में से एक भी बंदा तुम्हारा एथलीट कोई मेरे साथ वर्कआउट निकाल के दिखा देना पूरा एक। और आज के बाद भाई स्टीरोइड बोलकर किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करियो, क्योंकि ये बहुत सारे लोग है ना प्रोफेशनली करते हैं, उनका करियर होता है। बाकी ब्लड टेस्ट के लिए कल आ जाइयो और एक कमरे में बैठकर बकवास मत कर। लव यू ऑल।
और मेरे को बोल रहे हो कि 1,00,000 रुपए दोगे अगर मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बढ़िया मिली तो ये गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूंगा। द्वारका सेक्टर 12A में आरके फिटनेस बाय रोहित खत्री जिम है, कल ही आ जाना, ब्लड टेस्ट करा लेना। कभी ये गलतफहमी हो ना आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मुझसे बढ़िया निकलेगी तो ये गलतफहमी भी कल दूर कर दूंगा। तो आपने ये वीडियो अपने अकाउंट से पोस्ट किया है आरके फिटनेस बाय रोहित खत्री, चूंकि आपका जिम है मैं 2-3 दिन के अंदर आ रहा हूँ तो आप तैयार हो जाना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आके। मैं लाइव जाऊंगा अपने इंस्टाग्राम से, आपका भी ब्लड सैंपल लेंगे लाइव और मेरा भी ब्लड सैंपल लेंगे लाइव, और जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसको हम पोस्ट कर देंगे, तो आप तैयार हो जाओ।